हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मी एंड मॉम्स क्लासेस। माय सेल्फ मोनिका। आज हम बनाने वाले हैं गार्लिक ब्रेड। ये हम ब्रेड से नहीं बनाने वाले हैं, हम प्रॉपर इसका डो लगाएंगे। कैसे इसको बनाना है ये सारा प्रिपरेशन तो मैं आपको बताऊंगी ही, बट साथ ही साथ मैं जो इसके मेजरमेंट है वो मैं सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप उसका रेशियो से अपने गार्लिक ब्रेड को बनाओगे तो प्रॉपर बनेगी। और फ्रेंड्स, इस चीज का भी ध्यान रखें, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, अगर वो सारे मिस हो जाएंगे तो फिर हमारी रेसिपी परफेक्ट नहीं बनेगी। तो अब स्टार रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज बनाने वाले हैं गार्लिक ब्रेड। इसके लिए लिया है मैंने, देखो ये 200 ml वाला जो कप होता है ना, ये वाला कप भर के मैंने 3 cups ऑफ मैदा लिया है, और मैं बाकी का जो मेजरिंग है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। फिर भी मैं एक बार और शो कर देती हूँ। मैंने इसमें 3 cups ऑफ मैदा लिया है। इसके अंदर हमने लिया है 1/2 TSP बटर, और ये हम लोग ले रहे हैं 1.5 TSP। ये हम लोगों ने लिया है ड्राई ईस्ट, और ये हमने लिया है 1.5 TSP कैस्टर शुगर। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम डो लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, इसको ध्यान से देखना, इसका डो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैं बस इसका डो लगाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मुझे ना प्लेटफॉर्म पे ही डो लगाना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, और खास करके ब्रेड का कोई भी डो। तो बस सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। कैस्टर शुगर, और ये जो एक्चुअली ईस्ट ना, 2 types के ईस्ट हमको मार्केट में मिलते हैं। एक होता है इंस्टेंट ड्राई एक्टिव ईस्ट, और एक होता है वो एक्चुअली जो ईस्ट आता है ना, हमने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, 2 types के ईस्ट हमको मार्केट में मिलते हैं। फर्स्ट होता है ड्राई एक्टिव ईस्ट, सेकेंड होता है फ्रेश ईस्ट। तो हमने जो ईस्ट का इसमें यूज किया है ये ड्राई एक्टिव ईस्ट है, और ये फटक से आपके डो को राइज कर देता है। तो बस अब हमने सारी चीजों को मिक्स कर लिया है। मैंने इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड की हैं, मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने इसमें शुगर ऐड किया है, और बस ईस्ट डाल के हम अपने डो को प्रिपेयर कर लेंगे। बस अच्छे से ऐसे आप प्लेटफॉर्म पे डो लगाओ, उससे क्या होता है ना, डो बहुत अच्छे से लगता है और ईस्ट ना बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो जाता है। तो इसके लिए मेरे को इसका डो ना प्लेटफॉर्म पे लगाना ही पसंद है। आप चाहो तो बाउल में भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि बाउल में लगाने से आपका ईस्ट एक्टिव नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आप चाहो तो बाउल में भी लगा सकते हो। बट ये जो डो है ना, इसको सही मजा तो उसका प्लेटफॉर्म में ही लगाने पर आता है। और ये जो होता है ना, ये स्क्रैपर है, इसकी हेल्प से आप साइड से जितना भी एक्स्ट्रा आटा आपका गया है सारा ले लो, और उससे पहले अपने प्लेटफॉर्म को प्लीज क्लीन जरूर करना, और पानी हमेशा हिसाब से देख के डालें। ऐसे करके हम इसका डो लगाएंगे। बस अब हम इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बटर। बटर से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मुझे इस टाइप की रेसिपीज में बटर बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं बटर यूज़ करती हूँ। आप चाहो तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। बस बहुत अच्छे से इसका डो लगाना है, और ये जो डो लगाना है ना, आपको हथेली की हेल्प से ही लगाना है ना। हम लोग ना हथेली की हेल्प से
बस ऐसे ऐसे करके आप इसका डो लगाओ, बस आपको इसमें किसका यूज करना है, ये जो ट्रिप्स है ना, आप ये वाली टिप्स का हमेशा ध्यान रखो कि आपको हथेली की हेल्प से ही डो को लगाना है। बस इसको बहुत अच्छे से एक सा कर लो अपने डो को। आप देखो हमारा डो सॉफ्ट होना भी स्टार्ट हो गया है। फ्रेंड्स देखो मुझे 5 to 7 मिनट हो गए हैं डो को लगाते लगाते। बस मैंने हथेली की हेल्प से डो को बहुत अच्छे से किया है। बस अब क्या करना है, डो को अच्छे से ऐसे अंदर की तरफ इसको टकेट करेंगे। बस ये जो हमारा बाउल है इसको हमने बस ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इस डो को हम इसमें रख देते हैं। अब हमने ये गीला टॉवल लिया है, बस इसको मैंने अच्छे से पानी से गीला कर लिया है। ये मेरा किचन टॉवल है जिसको मैंने बहुत अच्छे से बस थोड़ा सा गीला किया है, और गीला करके इसके ऊपर ढक देंगे और ये हाफ एन आवर के अंदर ना जस्ट डबल हो जाएगा जो साइज हमने रखा हुआ है। तो ये हमारा गार्लिक ब्रेड का डो इज रेडी। फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना, अब हम लोग गार्लिक का मिक्सचर, गार्लिक के पेस्ट बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले 3 TBSP बटर लिया है। ये मेरा घर का अमूल का बटर है। ये मैंने 3 TBSP बटर लिया है। इसके अंदर मैंने जो मार्केट में गार्लिक आता है बस उसको पूरा एक गार्लिक लिया है, और बस इसके अंदर हम गार्लिक को ऐड कर देंगे। गार्लिक को मैंने अच्छे से ग्रेट करके ले लिया है। इसके हमने इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देंगे बटर के अंदर। अब हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर ऑरिगेनो। ऑरिगेनो हमको अच्छे से मार्केट में मिल जाता है, तो बस इसके अंदर हम ऑरिगेनो ऐड कर देंगे, क्योंकि गार्लिक ब्रेड में ना ऑरिगेनो का फ्लेवर जो होता है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो बस इसके अंदर हम ऑरिगेनो ऐड करेंगे। अब इस स्टेज में इसके अंदर ऐड कर रहे हैं चिली फ्लेक्स, मैं इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो और ऐड कर देती हूँ। इसमें हमको सॉल्ट ऐड करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है क्योंकि हमारा बटर ऑलरेडी सॉल्टेड है, और ऑरिगेनो वगैरह में भी हल्का हल्का लिटिल बिट सॉल्ट होता है। तो बस ये देखो हमारा गार्लिक का पेस्ट बनके हो गया रेडी, बिकॉज हम बना रहे हैं गार्लिक ब्रेड तो उसके अंदर ही हम यूज़ करने वाले हैं गार्लिक का पेस्ट। अगर आप चाहो तो इस स्टेज में अगर किसी को ग्रीन कोरिएंडर पसंद है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, बट मुझे तो नहीं पसंद है तो मैं इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ। बस मैंने इसमें ऑरिगेनो, बटर, गार्लिक और चिली फ्लेक्स का यूज़ किया, तो हमारा गार्लिक का पेस्ट इज रेडी, गार्लिक बटर पेस्ट इज रेडी। फ्रेंड्स हमारे डो को देखो 30 मिनट हो गए हैं रखे हुए, और आप देख रहे हो जैसे कि हमने जो साइज रखा था ये जस्ट उसका डबल हो चुका है। तो हमारा डो अच्छे से फर्मेंटेट हो गया है। अब बस हम डैस पे सबसे पहले ये मैंने जो फ्लावर का यूज़ किया है, ये मैंने मक्के का आटा लिया है, बस इसको अच्छे से प्लेटफॉर्म पर कर लीजिए। और ये बस पूरे डो को आप बस पहले इसके अंदर जितनी भी गैस है, जितना भी एयर इसके अंदर जनरेट हुआ है हम वो सारा निकाल देंगे। बस अब हम इस फिर से डो को अच्छे से टकेट करेंगे। ये देखो डो हमारा अच्छे से हो गया है। अब हम इस डो को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इक्वली विद द हेल्प ऑफ स्क्रबर। बस नीचे बस थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पे हमने कॉर्न मिल डाला है। बस कॉर्न मिल डालने के बाद
आप रोलिंग पिन ले लीजिए, घर में जो हमारा रोटी बनाने वाला बेलन होता है बस वो ले लेंगे। और अब हम इसको ओवल शेप के अंदर हमको इसको बेलना है। ध्यान रखो कि जो हमारे साइड्स हैं उसको हम थोड़ा सा पतला रखेंगे साइड्स को, और इसको हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है। हम सिर्फ इसके साइड जिसको पतला करेंगे। बस हमने पहले से जो अपना गार्लिक पेस्ट बना के रखा है गार्लिक ब्रेड के लिए, बस वो विद द हेल्प ऑफ ब्रश अंदर अच्छे से आप अपना गार्लिक बटर लगाइए। अगर आपको इस स्टेज के अंदर इसके अंदर कुछ स्टफ करना है तो आप कर सकते हो, बट मैंने अभी इसके अंदर कुछ भी स्टफिंग एज सच नहीं कर रही हूँ लाइक स्वीट कॉर्न, तो आप इसे स्टेज में इसके अंदर ऐड कर सकते हो वो भी बॉयल कर। मेरे पास ये मोजरेला और चीज़दार चीज़ का मिक्स है, तो बस मैं अब इसके अंदर ये डाल रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ आप चाहो तो इसमें प्रोसेस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने जो चीज़ यूज़ किया है इस टाइप से मार्केट में से श्रेडेड चीज़ मिलता है जिसके अंदर मोज़रेला एंड चेडर दोनों चीज़ का मिक्स होता है। बस और ध्यान रखो कि ये हमारा थोड़ा आगे की तरफ ना जाए क्योंकि हम इसे सील करने वाले हैं। बस अब आपको जिसको जिस बेकिंग ट्रे में आपको बेक करना है उस बेकिंग ट्रे को आप अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। मैंने बेकिंग ट्रे को ग्रीस नहीं किया है, मैंने इसके अंदर ये मार्केट में ऐसा बेकिंग पेपर मिलता है मैंने उसका यूज़ किया है। अगर आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो आप ट्रे को अच्छे से ग्रीस करके भी अपना डो रख सकते हो। बस और इसके जो साइड एजेस है ना बस हम इसको अच्छे से सील कर देंगे विद द हेल्प ऑफ फिंगर, जिससे इसके साइड एजेस खुले ना बिल्कुल भी। बस आप फिंगर की मदद से अच्छे से प्रेस कर दो। आप चाहो तो इसको फॉक से भी प्रेस कर सकते हो बट ये ऐसे अच्छे से हो जाता है तो मैं इसके लिए नहीं कर रही, बट आप चाहो तो कर सकते हो। ये हो गया है, ऐसे ही मैं अपना दूसरा भी गार्लिक स्टिक रेडी कर लेती हूँ। गार्लिक स्टिक जो हमने गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं वो दोनों प्रिपेयर हो गए हैं। अब हम इस स्टेज में क्या करेंगे, जो हमने गार्लिक बटर बनाया था वो हम गार्लिक ब्रेड के ऊपर से भी लगाएंगे। आप हर एंगल से बहुत अच्छे से इसमें गार्लिक बटर लगा दीजिए, साइड एजेस से भी ज़रूर लगाएं। हमने इनके ऊपर चारों तरफ बहुत अच्छे से गार्लिक बटर जो हमने बनाया था वो हमने अच्छे से लगा दिया है। अब हम थोड़ा सा लिटिल बिट ऑर्गेनो स्प्रिंकल्स कर देंगे, बहुत लिटिल बिट डालना है क्योंकि अंदर ऑलरेडी ऑर्गेनो है। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा मिक्स हर्ब, हम इसमें से लिटिल बिट ऐड कर रही हूँ मिक्स हर्ब, बस बहुत थोड़ा सा ही डालना है। अब क्या करने वाले हैं हम इसमें, तो इसी स्टेज में यहाँ से कट्स लगा देंगे।
आपको स्टिक का साइज जितना बड़ा और छोटा चाहिए उस हिसाब से आप अपना कट लगा लीजिए। लग रहा है ना बिल्कुल डोमिनो जैसा गार्लिक ब्रेड, बस सेम इसी प्रोसेस से हम यहाँ पे भी कट लगा देंगे। फ्रेंड्स हमारी रेसिपीज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारे आने वाले नए रेसिपी के वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो देखो ये हमारा तैयार हो गया है, हमने साइड एजेस से भी कट लगा दिया है। अब मैंने अपने, अगर आपको माइक्रोवेव में आप अगर बेक करते हो तो आप इसको 200 डिग्री पर कन्वेक्शन मोड पर आपको बेक करना है। मैं इसको ओटीजी के अंदर बेक कर रही हूँ। ओटीजी के अंदर अगर आपको बेक करना है तो 200 डिग्री पर आपके बोथ कॉइल, आपके दोनों कॉइल ऑन स्टार्ट रहेंगे दोनों कॉइल। तो सेम इसी प्रोसेस से अब मैं इसको बेक होने के लिए लगा रही हूँ। मैंने अपने ओवन को ऑलरेडी प्रीहीट कर रखा है। फ्रेंड्स देखो हमारे गार्लिक ब्रेड्स बेक होकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसको मिनिमम बेक होने में 30 मिनट्स लगे हुए हैं। लग रहे हैं ना बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल, लुक्स वेरी टेम्प्टिंग। बस हुआ है ना अच्छे से अंदर तक बेक। फ्रेंड्स अगर हमारे रेसिपीज पसंद आती हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।